गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBL मेमोरियल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। टुडे इज आवर वीडियो फॉर क्लास 6, सब्जेक्ट SST पार्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थ और सोलर सिस्टम क्या है, यानी कि पृथ्वी और सौर मंडल। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था स्टार्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज सेकेंड पे कॉन्स्टिलेशन, यानी कि तारामंडल। क्या पढ़ेंगे हम आज? कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्स्टिलेशन से। सम स्टार कलेक्टिवली फॉर्म डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स इन द नाइट स्काई, दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कि सामूहिक रूप से क्या होते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पैटर्न के अंदर नजर आते हैं रात को आकाश के अंदर या आसमान के अंदर। मतलब रात को जब भी हम तारे देखते हैं आकाश के अंदर, तो तारों का क्या होता है, कुछ समूह होता है, ग्रुप के अंदर कुछ स्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई एक पैटर्न बनाते हैं हमारी पहचान के लिए। ठीक है, और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल या नक्षत्र, इसको हम कहते हैं। ओके, सम वेल नॉन कॉन्स्टिलेशन आर द ग्रेट बियर, आल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर। कुछ कॉन्स्टिलेशन यानी कुछ तारामंडल जो कि जिसको हम ग्रेट बियर है, उनका और भी नाम क्या है, दूसरा उर्सा मेजर। एक लिटिल बियर है, उसका नाम है उर्सा माइनर। ओरियन द हंटर, स्कॉर्पियर द स्कॉर्पियन, कैनिस मेजर द ग्रेट डॉग, लियो द लॉयन एंड टॉरस द बल। ये सब क्या है, कॉन्स्टिलेशन के नाम है। ओके, द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंट्रोगेशन मार्क्स। ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन जो है, जो ग्रेट बियर जो तारामंडल है, उसका जो आकार है वो कैसा है, इंट्रोगेशन मार्क्स। यानी इंट्रोगेशन मार्क्स का मतलब जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पीछे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो वैसा उसका शेप है। किसका? ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन का। एंड इट्स बेस ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द पोल स्टार, और इसका जो आधार है वो हमेशा किसकी ओर इंगित करता है, पोल स्टार की ओर इंगित करता है। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं, वह हमेशा कहाँ पर इंगित होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन की ओर, उत्तर दिशा की ओर होता है। अब आता है द सोलर सिस्टम। ये देखिए, पहले इससे पहले ऊपर कुछ दे रखे हैं फिगर, और ये द हंटर, ये क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। ये कुछ ना कुछ एक फिगर आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के इनका शेप होता है, जो पैटर्न बनाते हैं। सेकेंड आता है ग्रेट बियर, पहले ओरियन द हंटर है, फिर ग्रेट बियर है, एंड फिर है कैनिस मेजर। तो ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इनको रिकॉग्नाइजेबल यानी कि इनको हम पहचान लेते हैं। अब है द सोलर सिस्टम। सोल मीन्स सन, एंड द सिस्टम रेफर्स टू फैमिली द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट इन डिफाइंड ऑर्बिट। सोल का मतलब क्या होता है, सन, सूर्य। एंड सिस्टम रेफर्स टू इट्स फैमिली, और सिस्टम का मतलब यहाँ पे है द हेवनली बॉडीज, यानी कि इसके परिवार के जो स्वर्गीय जो पिंड है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रणाली जो होती है। एंड अराउंड इट इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, वो बिल्कुल इनके जो निश्चित कक्ष है उसके चारों ओर वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन? इसकी जो फैमिली है, सन की। दीज हेवनली बॉडीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर फैमिली, द सोलर फैमिली आर द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, मून्स, मेट्रोस, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अब जो ये जो हेवनली बॉडीज है, ये जो पिंड है, ये क्या करते हैं, एक सोलर फैमिली बनाते हैं, सौर मंडल का एक परिवार बनाते हैं, जिसके अंदर क्या है, 8 प्लैनेट यानी कि 8 तो ग्रह हैं, एंड देयर सैटेलाइट्स और उनके उपग्रह हैं, जैसे कि मून्स यानी चंद्रमा, मेट्रोस यानी कि उल्का, कॉमेट्स यानी कि ध्रुव केतु, और एस्ट्रॉइड्स का मतलब क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये 8 तो प्लैनेट है, और बाकी 8 से क्या, बाकी इसके क्या है, उपग्रह है यानी कि इसके सैटेलाइट से। ओके, अब आता है द सन। सन यानी सूर्य। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम। सन क्या है, जो हमारा सौर मंडल है उसका सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय स्थान है। ठीक है, एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू बी बाय द फोर्स ऑफ इट्स ग्रेविटी। और जो भी इसके जो हेवनली बॉडीज है, यानी कि जो इसके जो पिंड है जो सोलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, किस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसके इससे जुड़े हुए हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो सतह का जो तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। एंड द डिस्टेंस, और दूरी बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सन
और अर्थ के जो बीच में दूरी है वो लगभग कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। द सन इज वेरी बिग, सन क्या है? बहुत ही बड़ा है, सन सूरज बहुत ही बड़ा है। बट दे आर मैनी अदर स्टार्स, और लेकिन जो इसके बहुत से जो स्टार्स हैं आर मच बिगर देन द सन, और वो क्या है, इस सन से भी बड़े हैं। ओके, द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप्स, प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह हैं वो क्या हैं, शेप में कैसे हैं, गोलाकार हैं, गोल हैं। ओके, बट आर द डिफरेंट साइज एंड द डिफरेंट कंपोजिशंस, लेकिन उनकी साइज क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और उनका जो कंपोजिशन है, जो रचनाएं की गई हैं, वो भी क्या है, अलग है। मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी। अब कौन सी? मर्करी, बुध, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, अर्थ का मतलब है ना पृथ्वी, और मार्स का मतलब मंगल। ये जो चारों ग्रह हैं ये क्या है, रॉकी है, यानी कि यहाँ पर क्या है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं। जबकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति या गुरु जिसको हम कह सकते हैं, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, यहाँ पर किसका मिश्रण है, गैसेज का और लिक्विड्स का, तरल पदार्थों का और गैसेज का क्या है, द्रव्यों का, यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड मिश्रण है। कहाँ पर? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चार में तो क्या है, गैसेज और क्या है, लिक्विड्स है। और जो पहले मैंने बताया था मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चार के अंदर क्या है, रॉकी है, यानी कि ये चट्टाने हैं। ओके, मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मर्करी क्या है, सन के बिल्कुल पास में है, नियरेस्ट का मतलब बिल्कुल उसके पास में, उसका पड़ोसी है, किसका, सन का, मर्करी। बट नॉट द हॉटेस्ट, लेकिन वो क्या नहीं है, गर्म नहीं है, सबसे गर्म नहीं है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, जबकि वीनस जो है वो क्या है, सबसे गर्म प्लैनेट है, शुक्र ग्रह जो है वो क्या है, सबसे गर्म है। एज द एटमोस्फियर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है, अ गैस विच ट्रैप्स हीट, और ये वह गैस है जो क्या करती है, गर्मी को फैलाती है। ओके, वीनस इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन्स प्लैनेट, जो वीनस है, जो शुक्र प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट जो है वो क्या कहलाता है, अर्थ का ट्विन्स कहलाता है, यानी कि इसका जुड़वा ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बट बोथ आर अबाउट द सेम साइज, लेकिन दोनों की साइज क्या है, सेम है। सैटर्न हैज मैनी रिंग्स कंपोज्ड ऑफ डस्ट एंड आइस अराउंड इट, जो सैटर्न है, जो शनि है, उसकी क्या है, बहुत सारी रिंग्स है, यानी कि छल्ले हैं, जो कि क्या है, उसके आसपास में डस्ट और आइस है, धूल और बर्फ है। यूरेनस एंड नेपच्यून आल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम, जो यूरेनस है और जो नेपच्यून है उनके भी क्या है, रिंग अराउंड, उनके आचारों और क्या है, रिंग है। विच कैन ओनली बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको सिर्फ हम पावरफुल यानी टेलीस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलोजेंटेड ऑर्बिट, और जितने भी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, सन के एक निश्चित ऑर्बिट है, एक कक्ष है, उसके और वो क्या करते हैं, उसके और चक्कर लगाते हैं। ओके, अब ये देखो एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स का डायग्राम है, जैसे मर्करी है सबसे पहले, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और सबसे बड़ा देखो आपको जुपिटर नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये लाइट नजर आ रही है, तो ये किसकी लाइट है, सन की लाइट है। सन के जस्ट पास में कौन सा है, मर्करी है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, गर्म नहीं है। सेकंड नंबर पर वीनस है, लेकिन ये वीनस क्या है, सबसे गर्म प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, गर्मी को फैलाती है। फिर है अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं, एंड फिर है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। ये चारों ग्रह तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है, रॉकी है, ये यहाँ पर क्या है, चट्टाने हैं। फिर आ जाता है आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसमें क्या है, लिक्विड और गैसेज इसमें कंपोज्ड है। ओके, अब इनके नाम आपको याद करने हैं, कैसे याद करोगे, यहाँ पर एक नीचे ट्रिक दे रखी है, देखो क्या लिख रखा है, माय मदर, आप देख सकते हैं इसमें ये वाला माय वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, आजकल बच्चों को नूडल्स मैगी बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसमें ट्रिक दे रखी है, माय वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, यानी कि मेरी मदर ने क्या परोसा है, नूडल्स परोसे हैं। तो देखो M से मर्करी, V से वीनस, एलिजेंट E से अर्थ, मदर का M से हम मार्स लेंगे,
जस्ट का जे से जुपिटर, सर्वड एस सैटर्न, अस का यू लेंगे तो यूरेनस और नूडल्स का एन लेंगे तो नेपच्यून। तो इस ट्रिक से क्या हो जाएंगे आपको, जो 8 प्लैनेट्स है उनके नाम याद हो जाएंगे। माय वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स, ठीक है। अब आगे आता है एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।